देखिए श्रीमद् भागवत अगर जिसने जीवन में उतार ली ना, उसको भगवान से बहुत प्यार हो गया। आज एक लड़की शादी, आज कहते बचपन में सब कहते शादी नहीं करनी शादी नहीं, एक उम्र का सब तैयार हो जाते हैं, जाने को तैयार है दूसरे घर में। क्यों, किस लिए तैयार होते हैं बताइए, जल्दी बताइए, समय कम है। शादी करने के लिए सब तैयार है, शादी के लिए अपने पूरे परिवार को वो छोड़ने को तैयार हो जाती है। क्यों, किसके लिए, किसके लिए वो पूरे परिवार को छोड़ देती है, पति के लिए, यानी प्रेम के लिए, यानी उसे इतना प्रेम हो जाता है कि वो अपने परिवार को छोड़ने को तैयार हो जाती है। अर्थ क्या है, अगर आपको प्रेम हो जाए तो आप कई चीजें छोड़ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत भगवान से इतना प्रेम करवा देती है अगर जीवन में उतारो तो, कि व्यक्ति संसार को छोड़ने को तैयार हो जाता है, यानी उसको मृत्यु का भय नहीं रहता, डर नहीं है। तो राजा परीक्षित को इतना प्रेम हो चुका है इन 7 दिनों में, राजा परीक्षित ने कहा अमर नहीं करना है, अब मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तब सुखदेव जी उनके सर पर हाथ रख के चले गए। यहाँ पर वो सबको फल बांट रहे हैं, कई ऋषि मिलने आ रहे हैं, उसी में से एक सेब में तक्षक जो नाग है जिसका श्राप मिला है वो छोटा सा रूप बनाकर आता है, उस सेब को काटा जाता है, उसमें से तक्षक निकलते हैं। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया, आइए आपका इंतजार था। कहते हैं कि तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने आंखें बंद कर ली, यानी उन्होंने प्राण उसी वक्त त्याग दिए। ज्ञानी पुरुषों से यही सुना है, क्योंकि ऐसे देखिए कहानी कथा के हिसाब से तो तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई, पर कहते हैं कि उन्होंने नेत्र बंद किए तभी मृत्यु हो गई, आत्मा भगवान में चली गई। तक्षक ने एक मरे हुए शरीर को डसा, यानी भगवान ने इतने कृपा की थी उन पे कि तक्षक ने जब डसा वो शरीर मृत था, आत्मा भगवान में उसकी जा चुकी थी। तो पर जैसा कहा गया, डसते हैं मृत्यु होती है और आत्मा भगवान में लीन हो जाती है।